कि टीम गॉडलाइक यहां से फाइट में इन्वॉल्व होने के लिए जाएंगे, फिनिशेस के लिए जाएंगे, जिसके लिए वो हमें अक्सर जाते हुए नजर आते हैं। अग्रेसिव गेम स्टाइल जो है वो हमें इस पर्टिकुलर टीम का देखने को मिलता है, या फिर अभी के लिए जो अर्ली इंगेजमेंट्स है उसको अवॉइड करना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो फाइट लेने का उनका मन है वो बन चुका है, लेकिन कुछ अलग तरफ हम देखें तो टीम हैदराबाद हाइड्रास जो है वो टीम ओरिएंटल गेमिंग के काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। वहां पर भी हमें कुछ इंगेजमेंट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। टीम गॉडलाइक की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ ग्रेनेड जो है वो जरूर से स्पैम किए जा सकते हैं। देखिए, इनको पता है कि एक खिलाड़ी यहां से दूर जरूर से मौजूद है, तो शायद यहाँ पे पूरी कोशिश रहेगी कि ओके क्या बेहतरीन ग्रेनेड हमें देखने को मिलता हुआ जॉनसन की साइड से। मैक्सी यहां पर नॉकआउट हो चुके हैं और अब टीम गॉडलाइक जो है वो एक बढ़िया पुश करते हुए नजर आएंगे। टीम रेकनिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल स्थिति में जरूर से देखने को मिल जाएंगे। नियो को वापस स्पॉट करके डाउन जरूर से, ओके काफी ज्यादा डैमेज यहां पर दिया गया है। यहां पे हील करेंगे अपने आप को जॉनसन, यहां पर काफी तेजी के साथ अंदर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और थोड़ा सा स्टैंड स्टिल पे अभी के लिए फाइट। एक और ग्रेनेड, क्या कनेक्शन बनाएगा? मेरे ख्याल से शायद बना सकता है, अगर ऊपर की तरफ फेंकते तो वहां पे कनेक्शन जरूर से बन सकता था। और अब ट्रेबल्स का एक अच्छा इस्तेमाल हमें देखने को मिल रहा है। टीम गॉडलाइक को पता था कि एक खिलाड़ी जो यहां से थोड़ा सा दूर है, तो मिस्टर स्प्रे जितने दूर गए थे फिलहाल उनको पूरी तरीके से वहां से बाहर कर दिए गए। फाइट में जॉनसन थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे, मेरे ख्याल से स्पॉट कर दिया जाएगा एक प्लेयर को। जी हां, सी और यहां पे डाउन हो जाएंगे, लेकिन जॉनसन पीछे जाएंगे, डाउन करेंगे, जो फिनिश है वो सिक्योर हो जाएगा। गॉडलाइक के दो खिलाड़ी डाउन हो चुके अभी के लिए, क्रैच गॉड एंड जॉनसन, ये दो खिलाड़ी बचते हैं। एंड वहां पर जो नॉक्ड आउट प्लेयर है क्या उनको देवा मिल पाएगा वो देखने वाली बात है। मिस्टर प्रेमी वाले यहाँ पे क्लोज जरूर से आए, लेकिन वो सोलो मैन स्टैंडिंग है, एक 1v2 का सिनेरियो उनके लिए जरूर से रहने वाला है, पर लेकिन बहुत मुश्किल, क्योंकि जॉनसन जो है वो आगे की तरफ आएंगे एंड क्लोज रेंज में इनको निपटा पाना बहुत मुश्किल। दो फिनिशेस टीम गॉडलाइक के पास एंड एलिमिनेशन टीम रेकनिंग ईस्पोर्ट्स का। मैं बस ये सोच रहा हूं कि जब ये ग्रेनेड कर रहे थे प्रदर्शन, स्कारलेट्स गेमिंग पूरी तरीके से मैच में बरकरार, बड़े इस वक्त जोन के बहुत ज्यादा बाहर आपको देखने को वो मिलने वाले। इकोनॉक्स भी स्काउट के द्वारा खत्म होते हुए स्काउट एक बार फिर से अपने फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। 8 फिनिशेस इस वक्त है जो, बट नियो की बात करें विलीव आ जरूर रहते गाड़ी लेके, बट उसको भी रोका गया। इसी के साथ टॉप 3 टीम आप देखें, मात्र 23 मिनट का गेम हुआ है एंकी, और हमारे पास मात्र 3 टीमें, 12 प्लेयर, और आप देखें 4v4v4 का सिचुएशन। बिल्कुल, स्काउट ने यहाँ पे स्पॉट करके नियो को अपने सिंगल टैप्स के द्वारा डाउन किया है। अगर हम पोजीशनिंग की बात करें, टीम गॉडलाइक जरूर से प्रबल दावेदार इस पर्टिकुलर मैच में, विनर विनर चिकन डिनर के, बिकॉज एक अच्छा हाइट का एडवांटेज हमें उनके पास देखने को मिल रहा है। जो एरिया उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, स्प्रेड होकर खेल रहे हैं, तो पोजीशनिंग वाइज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम गॉडलाइक हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें टीम एक पार की साइड से, यहाँ पर एक बढ़िया जो स्लैमिन है वो हमें देखने को मिल जाएगा। ये मुश्किलें बढ़ा सकता है टीम गॉडलाइक की। टीम एक पार को ही पता है कि अगर यहाँ पे इस मैच में वापस आना है तो ये जो पोजीशन है टीम गॉडलाइक की वो उनको लेनी पड़ेगी। क्रैच गॉड को स्पॉट किया गया, नियो के ऊपर भी स्प्रे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक भी खिलाड़ी को डाउन करने में कामयाब नहीं। स्काउट वर्सेस जॉनसन हमें यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है। लेट्स सी कि क्या यहाँ पर जो नॉक है वो आएगा। जॉनसन अभी के लिए ग्रेनेड जो है वो कुक कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें टीम एक्स पार्ट की, तो उनकी जो पोजीशनिंग है काफी ज्यादा कम एरिया में सारे के सारे जो खिलाड़ी है वो हमें देखने को मिल जाएंगे। टीम गॉडलाइक के चारों खिलाड़ी अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, और अब जो ग्रेनेड का आदान प्रदान है वो हमें देखने को मिल सकता है। जॉनसन एक और ग्रेनेड यहाँ पर कुक करते हुए, क्या कनेक्शन बनाने में कामयाब हो पाएंगे। क्लच गॉड को मीनवाइल यहाँ पे स्पॉट करके डाउन कर देगा मवी के द्वारा, और अब टीम एक्स पार्क यहाँ पे जरूर से क्लोज इन कर सकते हैं। मवी अभी भी पीछे के साइड से कवर देते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पे जॉनसन को डाउन कर दिया गया स्काउट के द्वारा। जो फिनिश है वो यहाँ पे सिक्योर किया जाएगा। टीम गॉडलाइक अभी के लिए एक एक करके बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। टीम एक्स पार्क अभी के लिए रैंपेज पर जरूर से देखने को मिल जाएगी। रिवाइवल का यहाँ पे चांस नहीं दिया जाएगा। टीम गॉडलाइक से दो ही प्लेयर सर्वाइविंग, नियो एंड डी गॉड। जी बिल्कुल, इंडिया के दो सबसे बेहतरीन प्लेयर्स के बीच में हमने 1v1 का यहाँ पे सिचुएशन देखा। स्काउट थोड़ा सा आगे जाते हुए हमें दिखाई दिया, बट रॉनक की बात करें उनको भी डाउन किया गया नियो के द्वारा। डेस्टो की बात करें वो भी यहाँ पे डाउन हो जाएगा, बट नियो खुद भी डाउन हुए। जॉनसन खत्म हो चुके हैं, दो प्लेयर बचेंगे यहाँ पे, बट नहीं, इसी के साथ एक और प्लेयर खत्म होता हुआ स्कारलेट गेमिंग का लास्ट प्लेयर सर्वाइव करेंगे। बट जी गॉड की बात करें वो भी अकेले प्लेयर यहाँ पे बचे हुए। टीम एक्स पार्क की स्क्वाड को आप देखें, एक पूरा डोमिनेशन हमें देखने को मिलेगा। 11 फिनिशर्स उनके नाम है, मुझे लगता है ये मरा हुआ भी जल्द उनके नाम आने वाला, बट स्काउट सीधा आगे आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। स्काउट वर्सेस जी गॉड होता है, स्काउट एक बार फिर से आगे निकलेंगे। जी गॉड को उन्होंने डाउन किया, 12 फिनिशर्स करिए उसको। कमला बॉय आखिरी प्लेयर बचे अपनी टीम से, बट नहीं, उनको भी खत्म किया गया। क्या स्काउट ही थे? बट नहीं, मावी थे, उन्होंने आखिरी प्लेयर को खत्म किया। और इसी